बीजेपी पिछले एक दशक से यूपी की सत्ता से बाहर है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से सत्ता की महक आने लगी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो उनके नेता हैं, उन्होंने यूपी में अपनी ताकत झोंकी है और सियासी हमला बोलना शुरू कर दिया है, उससे ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि यूपी से जो संकेत हैं वो अच्छे उनको मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ ओम माथुर हैं, जो कि लखनऊ में लगातार कैंप कर रहे हैं और बीजेपी की जो तमाम रणनीति है उसका संचालन यहीं से कर रहे हैं। सियासत में एक बात कही जाती है कि जीत उसी की होती है सियासत में जिसकी रणनीति सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे खासम खास सिपह सलार ओम माथुर को यूपी की रणनीति की कमान सौंपी है। ओम माथुर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम फिलहाल छोटी सी बात करेंगे और उसके बाद लखनऊ से हम लोग गोरखपुर का सफर तय करेंगे और उनके साथ इस चार्टर में तमाम सियासत की बात करेंगे। ओम माथुर जी, सबसे पहला आपसे सवाल, लखनऊ में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, प्रदेश की राजधानी है, तमाम सियासी दलों ने अपनी ताकत यूपी में झोंक दी है। सबसे पहली चीज़, आपको क्या लगता है कि यूपी की सत्ता पर आप काबिज हो जाएंगे, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा पॉइंट है? जिस प्रकार से प्रथम फेज और सेकंड फेज में जो मत प्रतिशत बढ़ा है, निश्चित रूप से जब मतदान बढ़ता है तो वो स्वाभाविक रूप से जो सरकार होती है उसके खिलाफ बढ़ता है, और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के आम मतदाता ने परिवर्तन का मूल बढ़ाया। पिछले 15 वर्षों से कुशासन से त्रस्त है और वो चाहता है कि मोदी जी का विकास मेरे गांव झोपड़ी तक पहुंचे, इसलिए इस बार परिवर्तन निश्चय है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और माथुर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी यूपी की सरकार के खिलाफ है और जनता इसलिए घरों से अपने निकल रही है, परिवर्तन चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इसमें दूसरा मत है। उनका कहना है कि हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, इसलिए लोग खुलकर वोट डालने निकले हैं और गठबंधन को वो लोग वोट कर रहे हैं। गठबंधन का मतलब ही उनका ठगबंधन है। अगर मुख्यमंत्री में इतना आत्मविश्वास होता तो वो इस बैसाखी का सहारा क्यों लेता? यानी वो 403 सीट पर लड़ने में अभी सक्षम नहीं है, और उन्होंने कल ही किसी चैनल पे कहा है कि हमारे साथ आने से सरकार बन सकती है। इसका मतलब उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, वो जनता का भरोसा खो चुके हैं और निश्चित रूप से वो अपने हार गठबंधन करते ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अच्छा सर, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री थोड़े से बेचैन हैं। अगर हम लखनऊ मेट्रो की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, शायद उनको लगता था कि उनकी सरकार दोबारा नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उद्घाटन किया। देखिए, वो टोटली गलत उद्घाटन था। जब ट्रायल हो सकती थी उद्घाटन, लेकिन उद्घाटन नहीं हो सकता था, कहीं मेट्रो चली नहीं, कोई उसमें बैठा नहीं, और ट्रायल की है उन्होंने, और आप वो कह रहे मुझे एनओसी नहीं मिली। अरे, तुम्हारी पहले तैयारी तो करो, एनओसी तो तब मिलेगी ना। एनओसी नहीं मिलने का मतलब उनकी मेट्रो की लाइन पूरी तरह से, मेट्रो का सिस्टम तैयार नहीं है, तो उन्होंने खाली एक राजनीतिक फायदा के उठा के लिए हाबड़ तोबड़ में उद्घाटन किया। पब्लिक समझ चुकी है कि राजनीतिक लाभ के लिए किया है। देखिए, उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, आगे मेट्रो का विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाकी बातें ओम माथुर जी के साथ उनके चार्टर प्लेन में करेंगे। तमाम जो बातें हैं ओम माथुर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में बीजेपी की और रणनीति क्या है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर लड़ाई बसपा और गठबंधन की है, तो बीजेपी अपने आप को वहाँ पर किस स्टैंड पर पाती है, ये सब तमाम बातें हम ओम माथुर जी से करेंगे उनके चार्टर प्लान में। यूपी में मतदान 7 चरणों में होना है, पहले 2 चरण पूरे हो चुके हैं और ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका, उत्तर प्रदेश में राज उसका। तो ओम माथुर जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहले चरणों की उनके पास क्या रिपोर्ट है। ओम माथुर जी, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पश्चिमी यूपी से बीजेपी के पक्ष में हवा चलती है तो वो हवा पूर्वांचल में भी असर दिखाएगी, तो पहले चरण और दूसरे चरण की आपके पास क्या रिपोर्ट है, पुख्ता रिपोर्ट? देखिए, पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान हुआ है और जिस उत्साह से लोग हमारे साथ आए हैं, और उससे पहले जो रैलियों में जो हमें रेस्पॉन्स मिला है, मैं मानता हूँ कि पहले चरण में ही 73 सीट में से 50 से भी ज़्यादा सीट हम जीतने वाले हैं, और जो दूसरा चरण हुआ है उसमें भी हम लगभग 40 सीट से ज़्यादा हम जीतने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ, जो हम, मुझे फीडबैक मिला है, पहले और दूसरे चरण में मिलके हम 90 सीट से भी अधिक सीटें जीत रहे हैं। ओम माथुर जी, पहले चरण की अगर हम बात करें और दूसरे चरण की, तो यहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और अगर हम 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो जो मोमेंटम आपका जनता के साथ जुड़ा था, क्या 2017 के चुनाव में वो मोमेंटो कायम रह पाया, आपको इस बात की पूरी उम्मीद है? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जब मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया गया, तो 2014 के मैंडेट को 2017 तक मेंटेन करना, और जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन रैलियों में
और जो हमने बूथ स्तर तक का वर्क किया है उससे मेरा निश्चित मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी अधिक मतों से आगे बढ़ रही है। चलिए सर, परिवर्तन रैली की आपने बात की तो निश्चित तौर पर परिवर्तन रैलियों में आपकी भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ी थी, लेकिन दिक्कत भी उससे पैदा हुई क्योंकि जो टिकटार्थी थे उनकी आप लोगों ने लाइन लगा दी, उनकी भीड़ उमड़ी वहां पर, लेकिन जब टिकट वितरण हुआ तो विरोध शुरू हो गया। देखिए, टिकटार्थियों की भीड़ को मैं स्वाभाविक मानता हूँ। आखिर जब प्रदेश में वायुमंडल बना तो हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि टिकट मिले, और इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले और दूसरे चरण में एक भी जगह किसी भी सीट पर हमारा बागी नहीं था, क्योंकि कार्यकर्ता ने इस बार संकल्प ले लिया कि मुझे परिवर्तन करना है, बीजेपी को सत्ता में लाना है, और इसलिए वो सारे चीज भूल करके पूरी तक, और इसके साथ साथ हमने बकायदा मैनेजमेंट भी किया अपना, जिनको नहीं मिला उनको एक लक्ष्य दिया सरकार बनाओ, और कार्यकर्ता पूरा टिकटार्थी सारे के सारे सरकार बनाने की ताकत से लग गए।